चलोगे भैया? हाँ भैया, क्या रेट है, कितने रुपए में? 100 रुपये लेंगे बस। 100 रुपए? कितनी देर के? तो पूरा वहाँ तक घुमा देंगे आपको, और उसके बाद वहाँ छोड़ देंगे वहां तक? आधे घंटे अच्छा, के लिए। आप फोटो वोटो ले कितने, लेना, मतलब पूरा फिर घुमा दो लेंगे यार? वापस। हाँ वो पूरा कितने रुपए घुमा लेते हो? देंगे। 100 रुपए? हाँ इनको खिलाते भी ना कुछ, क्या डालते हैं? हाँ है ना, खिलाने का मेरे पास पड़ा वो। ठीक है, उसका क्या रेट है? 50 रुपये का आधा किलो, 100 रुपये 1 किलो, 50 का रख चलो दो। चलो, नहीं, आधा किलो। खाने का डालो ना, क्या डाल रहे थे आप? लाओ थोड़ा मुझे दो। वाइट लो वाइट। आप भी फोटो लेते हो? यार जो भी आता है वो फोटो खींच नहीं तो आता है, बस उनको सुन सुन के सीख लिए थोड़ा बहुत। भाई साहब, हमें एक बात समझ नहीं आई, ये तस्वीरें लेते क्यों हैं? क्या नाम है आपका? मनोज। मनोज जी, क्योंकि हर तस्वीर में ना एक कहानी होती है। नहीं समझे? थोड़ा उधर देखो। इधर आइए। जैसे कि ये तस्वीर है, अब इस तस्वीर के पीछे तो कोई ना कोई कहानी होगी ना, उसी तरह। तो गरीब आदमी है, गरीब इंसान की जिंदगी में तो रोज एक नई कहानी लिखी जाती है। अच्छा, तो उस तस्वीर के पीछे कोई ना कोई कहानी तो होगी, हमें भी सुना दो, हम भी लिख लें। हमारी तो बातें चलती रहेंगी, बच्ची पहली बार दिल्ली आई है, मनोज घुमा लाएगा, तब तक हम अपनी बातें भी कर लेंगे। क्यों, क्या कहते हो? सही कह रहे हो आप, जाओ बेटा थोड़ा घूम आओ, वैसे भी बेफिजूल परेशान हो जाओगी यहाँ बैठे बैठे, अब तब तक हम बात भी कर लेंगे, जाओ थोड़ी देर घूमो। मनोज, मनोज। हाँ पापा। मनोज, रियाना को घुमा लाओ जरा आसपास। ये लो जरा ध्यान से, जाओ बेटा।
देखो एरे देखो बगियान में चिड़ैयान आया 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 चुगी मोरा दाना जे जिया जिया के शर्मा के फिर उड़ जा सैया सैया के परसा की चन फिर तोहरा भैया चुगी ना दूदा ना जे जिया एरे देखो एरे देखो एरे देखो बगियान में चिड़ैयान आया 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 आपको गोलगप्पे पसंद है? आप हमें आप मत बोला करो। और आप भी। अच्छा सुनो। हाँ बताओ। कल हम लाहौर वापस लौट रहे हैं। ठीक। आप कुछ बोलेंगे नहीं? हम क्या, एक दिन तो जाना ही था। आप जब दिल्ली आना तो मिल लेना। आप हमें अपनी शादी पे बुला लेना, इसी बहाने लाहौर भी घूम लेंगे। आप समझ क्यों नहीं रहे हैं, हम हमेशा के लिए जा रहे हैं। फिर क्या, हमारी कहानी अधूरी रह जाएगी। कहानी किससे तो कभी खत्म ही नहीं होते, हम बस कहना छोड़ देते हैं। अच्छा आपको आपको इस मंदिर की खासियत पता है? भाई साहब आपको मंदिर की खासियत पता है? हाँ? इस मंदिर की खासियत पता है? नहीं। यहाँ पे जो मांगो वो पूरा हो जाता है। अच्छा, लेकिन मनोज जी ये तो बताओ आगे क्या हुआ? आगे ये हुआ कि अब मंदिर आ गया, आप होके आइए, मैं इंतजार करता हूँ। जाइए। थोड़ा हाथ दीजिए। हेलो। हमें यहाँ से नहीं जाना। गोलगप्पे इतने ज्यादा पसंद है आपको? ये मजाक का वक्त नहीं है। आपने ही हमसे कहा था ना कि यहाँ पे जो भी दुआ मांगो वो कबूल होती है, तो हमें आपके साथ रहना है यहीं पर दिल्ली में। हम आपसे बात कर रहे हैं, इधर देखिए। आप हमसे प्यार तो करते हैं ना? हाँ रेहाना, बहुत ज्यादा।
बताइए पंडित जी, ये तारीख शुभ है ना? एकदम शुभ है भैया, बिल्कुल। तो फिर पक्का कर लेते हैं इसी तारीख को। ठीक है। अरे आओ मनोज, प्यार छुओ उनके। नमस्ते पंडित जी। हाँ हाँ, राम राम। बाबा ये कौन थे? ये तेरे ससुर जी हैं। ससुर जी? अरे बाबा, अभी शादी वादी नहीं करनी हमको अभी। आप लड़की उड़के देखना मत शुरू करो अभी। सही, शादी तो तेरी बचपन में ही हो गई थी। बचपन में? हाँ, अब तो बस उस लड़की का गृह प्रवेश होगा। बाबा कैसी शादी, और मैं ऐसी शादी वादी नहीं मानता बिल्कुल भी। और वैसे भी हमें कोई और लड़की पसंद है, हम किसी और से प्यार करते हैं। क्या कह रहा है तू, नाम बता उसका। वो रियाना से। तेरा दिमाग तो सही है, एक तो मेरे दोस्त की बेटी और ऊपर से मुसलमान, ये नहीं हो सकता। बिरादरी से निकलवाएगा क्या मुझे? हम वचन दे चुके हैं। बाबा वचन वचन, जमाना बदल गया, ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है, और जिस लड़की से मिले नहीं, बात नहीं करी, ऐसा जानते नहीं, उसके साथ अपनी पूरी जिंदगी बिता दे, हमारी जिंदगी हम काट लेंगे। अगर तू हमारे खिलाफ गया ना, तो मेरा मरा हुआ मुंह देखेगा। और बचपना छोड़ और भूल जाओ उस लड़की को। बाबा हमने सोच लिया, अगर हम शादी करेंगे तो रियाना के साथ ही करेंगे, हमारी जिंदगी में पता कैसे जीना है। अब देख लीजिए आप, रियाना के साथ ही शादी करेंगे। रहीम, कैसे कहूँ यार, मुझे माफ़ कर दे, मेरे बेटे से गलती हो गई। अरे रमेश, तू ये क्या बोल रहा है, बच्चे हैं, बच्चों से गलतियाँ हो जाती हैं। वैसे भी कल शाम 5 बजे की गाड़ी से हम चले जाएंगे। तू तो बहू का धूमधाम से स्वागत कर। चल मैं चलता हूँ। अरे चाय तो पी जा। अरे नहीं, फिर कभी। उमर का तकाजा। अबू हमारी बात सुन लीजिए, अबू हमें जाने दीजिए। अबू, अबू, जवानी का रास्ता आंखों से बेखबर। कभी पर्दा उठा, तेरा इंतजार है कि तेरा नजरें चुराना मेरा इंतकाम है। कि कभी पर्दा उठा, तेरा इंतजार है कि तेरा नजरें चुराना मेरा इंतकाम है। कि अब तो बातें करूँ या लोगों की सुनूं, इश्कों का ये लिहाजा है या सर चढ़ा जुनू। कि अब तो रिहाना, हमें पता है कि तुम कल जा रही हो। क्या, कैसे, क्या होगा हमें नहीं पता, लेकिन हम जितना भी टाइम तुम्हारे साथ बाहर घूमे ना, जितना भी टाइम तुम्हारे साथ बिताया, हम बस वैसे ही रहना चाहते हैं। हमें पता है कि ये सब मुश्किल है, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि तुम भी हमारे साथ रहना चाहती हो। हम ना कल तुम्हारा इंतजार करेंगे, रेलवे स्टेशन के पीछे जो दीवार है ना, वहाँ पे, उसी गली के आसपास। हमें लगता है कि तुम आ जाओगी। मनोज,
साथी और मैं दिल जला के अब तो दगा तुझसे करनी वरना दिल से लगा अल्लाह भी टूटे दिल की माना था खैर है अल्लाह भी टूटे दिल की माना था खैर है अरे वो देखे सब आसमां से पर वो भी गैर तो मनोज जी उसके बाद फिर क्या हुआ आप रिहाना से मिले या नहीं लो चाय आ गई चाय पीजिए कैसी लगी चाय चाय तो अच्छी है रिहाना बहुत अच्छी चाय बनाती है रिहाना रिहाना अब तो आना है तो आना तुम बन के अपना मेरे दुखों को तेरी यादों में गुना कि अब तो क्या मैं आप दोनों की एक फोटो ले सकता हूँ बिल्कुल हम तो गरीब आदमी हैं और गरीब इंसान की जिंदगी में तो रोज एक नई कहानी लिखी जाती है हैं मैं नाव पर था वो घाट पर आई जैसे ही मेरी नजरों ने उसकी ओर देखा वैसे मुझे पहली नजर में प्यार हो गया कुछ समय बाद पता लगा उसका नाम रेहाना है वो भोपाल से दिल्ली आई है अपनी बुआ के घर सुना है भोपाल में एक झील है जब से मैंने रिहाना को देखा मुझे इस घाट से ज्यादा उस झील पर प्यार आने लगा